सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है सत्व गिलोय। गिलोय के बारे में सभी जानते हैं और गिलोय एक ऐसी औषधि है जो हमारे ऐसे वक्त पे काम करती है जब एलोपैथिक दवाइयाँ काम नहीं करती, लीवर ख़राब हो जाता है, बुखार या जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे रोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्या इसका कंपोजिशन है, कैसे इसको बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, किन रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका रेट है, कैसे आप इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं, ये सभी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इसके पैकिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो पैकिंग है यह बैद्यनाथ कंपनी की तरफ से आता है और 10 ग्राम की पैकिंग है। इसका अभी का रेट 52 रुपये है, जो समय के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, बात करें इसके कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में इसमें केवल गिलोय ही होती है। गिलोय का ये घन सत्व होता है। इसका एक प्रोसेस होता है गिलोय सत्व को बनाने का। आप चाहें तो उस प्रोसेस को हमारे जड़ी बूटी परिचय चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बात करें इसके गुण उपयोग की, किन किन रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के बुखारों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गले का जो संक्रमण होता है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जुखाम, खांसी या शरीर में दर्द बने रहना, इस तरह के सभी रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो लोगों के पैरों में जलन रहती है, जो जिनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है, जो खड़े होकर के काम करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही इसका इस्तेमाल समान रूप से कर सकते हैं। जिनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और पैर के तलवों में जलन बनी रहती है, ऐसा लगता है कि पिंडलियाँ और जो नीचे तलवे होते हैं वो तलस गए हैं, जैसे अग्नि उसमें से निकल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, तो उन सभी रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे। इसका लगातार इस्तेमाल इन सभी रोगों में बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। और इसकी जो मात्रा होती है वो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक की होती है और इसके अनुपान अलग अलग हो सकते हैं रोग के हिसाब से, या आप अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप ऐसे तो ले ही सकते हैं, डायरेक्ट पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, मधु के साथ ले सकते हैं, या जो अगर बुखार ज़्यादा है, काफ़ी दिनों से है, बार बार चढ़ता है, तो आप इसको अमृता रिष्ट के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप च्यवनप्राश के साथ भी कर सकते हैं। इसको आप अन्य औषधियों के साथ भी मिला करके योग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह जो सत्व गिलोय है यह है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करती है। लगातार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह आप अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है और महामारी जैसे अभी चल रही थी, आगे भी जैसे मौसम आते हैं, मौसम के बुखार होते हैं, उनसे बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा करके रोगों को दूर रखता है। बहुत ही अच्छी औषधि है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो यह थी जानकारी सत्व गिलोय के बारे में। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ये पर्चा आता है, आप इसमें स्क्रीन को रोक करके आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अधिक जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की किसी भी आयुर्वेदिक औषधि, यूनानी औषधि, देसी जड़ी बूटियों को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं।
सभी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।